पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे और आगरा में अखिलेश और राहुल जनता को संबोधित भी करेंगे। तो कल सपा और कांग्रेस में गठबंधन की खबरें सामने आई थी, उसके बाद आज सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच लगातार कांग्रेस और सपा के बीच में फंसा हुआ था वो फिलहाल के लिए कल सुलझ गया और यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव। आगरा में अखिलेश और राहुल जनता को संबोधित भी करेंगे। तो कल सपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था, उसके बाद अब 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सूत्रों के हवाले से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो राघवेंद्र, 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी और सूत्रों के हवाले से अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, तो बड़ी खबर को लेकर जल्दी से दर्शकों को अपडेट करें। मनीषा, कल जब गठबंधन की घोषणा हो गई तो उसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सब अखिलेश यादव जल्द ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगे। अभी चूंकि आधिकारिक बयान या पुष्टि समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कि 25 को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मिलित होंगे। और चूंकि गठबंधन की राहें अब इन लोगों की तय हो गई हैं कि 17 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और 63 पे समाजवादी पार्टी, तो अब मिलजुल कर लड़ना है तो एक दूसरे की यात्रा, एक दूसरे के सम्मेलन में सम्मिलित होना भी पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना है, उसे लड़ना है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता इन लोगों को दिखानी भी पड़ेगी और उसी के तरफ ये पहला कदम भी होगा अखिलेश यादव के तरफ से कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सम्मिलित हो और कहीं ना कहीं से अपने को एकजुट होने का कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई दूरी नहीं है, कोई कमियां नहीं है और अब हम एकजुट एक साथ हैं, उससे ये भी सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन भले ही गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव में भी क्या बीजेपी के किले को भेदना दोनों ही पार्टियों के लिए इतना आसान होगा? मनीषा, इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जनता के बीच में कोई उस तरह की नाराजगी नहीं दिख रही है कि सत्ता के प्रति ऐसी नाराजगी हो। कहीं ना कहीं गरीबों में जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं का, जिनको सीधे बेनिफिट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता से खुश है और शायद भारतीय जनता पार्टी की जीत का ग्राफ भी इसीलिए बढ़ रहा है कि उसने जो एक लाभार्थियों का वोट बैंक तैयार किया है और हर वर्ग को उसकी जरूरत की चीजें उनसे सीधे अकाउंट तक पहुंचाने का जो एक मापदंड तय किया है, वो बीजेपी को बहुत ऊपर ले जाती है। बिल्कुल। और राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टियों के पास गठबंधन के बाद भी चुनौतियां क्या क्या हैं? अगर सबसे बड़ी चुनौती की बात की जाए तो इन पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने ही नेता कार्यकर्ताओं और काडर के लोगों को संभाल कर रखना, अंदरूनी कलह न हो, क्योंकि सत्ता से लगातार दूर रहने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल वैसे ही टूटता है। इसके अलावा उस तरह का कोई जनाधार नहीं मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, 2014 की बात कर लें या 17 की कर लें या 19 की कर लें या फिर 22 की कर लें, गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बने। सपा बसपा का बना, सपा कांग्रेस का बना, सपा सुभाषपा का बना, सपा आरएलडी का बना, लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंचा जिस मुकाम से बना था। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह के गठबंधन पड़ते हैं और सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। और जो मोदी की गारंटी है या मोदी का जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं से इन दोनों के बहुत बीच दिखाई देता है। ठीक है राघवेंद्र, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।